नमस्कार एमपी अब तक का वक्त हो गया है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई खबर के साथ। मध्य प्रदेश में जैसे ही मौसम बदला वैसे ही कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। भोपाल की बात कर ले, राजधानी भोपाल में अब कक्षा 5 तक सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। ठंड के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो वहीं सागर में, जी हाँ सागर के दर्शक सुन ले ध्यान से, कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। दरअसल कुछ जिलों में बूंदाबांदी के बाद अचानक ठंड का इजाफा हुआ है, ठंड में इजाफा हुआ, इसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया है। क्या है बदलाव वो भी हम आपको बता रहे हैं। भोपाल की अगर बात कर लें तो सुबह 9 बजे तक खुलेंगे स्कूल जो कक्षा 5 तक के हैं, तो सागर में कक्षा 8 तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। तो मौसम बदला है, फिजा में बदलाव हुआ है और ऐसे में इंदौर की अगर बात करें तो वहां भी सुबह 9 बजे से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 5 तक के जो स्कूल हैं वो सुबह 9 बजे से खुलेंगे। छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में मावठा गिरा है, इस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन और रात के तापमान में अंतर को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ये बेमौसम बारिश है या आंधी तूफान बता रहे हैं कि अब कपकपाने वाली ठंड का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल एमपी के मौसम में बदलाव आया है, कहीं तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है तो कहीं बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में मावठा गिरा है जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। तापमान में गिरावट आई है, ग्वालियर चंबल में सीजन का पहला मावठा गिरा, पिछले कुछ घंटों में 3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज हुई है। अब इस बारिश का असर दिखने लगा है, कहीं कोहरा छाया हुआ है तो कहीं तापमान लुढ़क कर नीचे गिर गया है। राजधानी भोपाल में तापमान एक दिन में 27 डिग्री से लुढ़क कर 20 डिग्री पर आ गया। ग्वालियर में भी दिन का तापमान 27 डिग्री रहा तो रात का तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया, मतलब कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा समेत कई जिलों में तेज बारिश के अलर्ट हैं और रायसेन, खंडवा, खरगोन, देवास, सीधी, रीवा, शहडोल में भी आने वाले दिनों में सर्दी सितम ढाने वाली है। तो सीजन का पहला मावठा गिरा है मौसम के इन बदले हुए तेवर से। अब प्रशासन ने भी कह दिया है कि देखिए थोड़ा सतर्क रहे अपनी सेहत को देखते हुए। कई जिलों में मावठा गिरा, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ठंड की इस दस्तक के साथ ही जहां तापमान में गिरावट हुई है, सर्द हवाएं तेज हुई हैं, ऐसे में अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्कूलों की टाइमिंग में तो बदलाव किया ही गया है बच्चों की सेहत को देखते हुए। तो वहीं किस तरह से सर्दी अपना असर दिखा रही है उस पर बात करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहाँ की रिपोर्ट बताएंगे और दिन और रात के तापमान में अच्छा खासा अंतर हो गया है, ऐसे में जो बदलता मौसम है वो परेशान कर सकता है। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वासु बताएं अभी क्या कितना तापमान में बदलाव महसूस किया जा रहा है, क्या अंतर है और किस तरह से सर्द हवाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अपर्णा, देखिए मध्यप्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले करीब 36 घंटे में मध्यप्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो असर है वो देखने को मिला है और इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मध्यप्रदेश के महाकौशल, मालवा, निमाड़ और मध्य क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश हुई है और कई जगहों पर तो जबरदस्त बारिश हुई है। मावठा भी कई क्षेत्रों में पड़ा है जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि जहां राजधानी भोपाल में 6 से 7 डिग्री एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर तापमान में गिरावट दर्ज हुई है तो कई अन्य शहरों में भी इसी तरीके का जो सूरत हाल है वो बताया जा रहा है। अब तक जो गुलाबी ठंड का दौर चल रहा था वो मावठा पड़ने के बाद, बारिश होने के बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते कड़कड़ाती हुई ठंड में बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कल तक सर्द हवाएं भी मध्यप्रदेश में कई जगहों पर चली, राजधानी भोपाल भी इससे अछूता नहीं रह पाया। हालांकि अगर कल के कंपेरिजन में बात करी जाए तो आज का जो दिन है वो थोड़ा सा बेहतर गुजरा है, यानी कि ठंड आज थोड़ी कम थी। दिन भर बादल जरूर छाए रहे लेकिन दोपहर में कुछ घंटे के लिए सूर्य देवता के भी जो दर्शन है वो हुए हैं जिसके चलते तापमान में जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे तक भी इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रह सकता है, लिहाजा शासन प्रशासन ने लोगों से बेहद अलर्ट रहने की अपील की है। और यही वजह है कि कई जिलों में जिस तरीके की खबरें जो है सामने आई कि कलेक्टर्स ने स्कूल्स के टाइमिंग जो है वो बढ़ा दिए हैं, यानी कि बच्चों के स्कूल
जो अमूमन सुबह 7 बजे या 8 बजे लग जाया करते थे, अब वो स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं और 9 बजे के बाद ही जो है वो स्कूल खुल सकेंगे, स्कूल लग सकेंगे। और इसे सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि छोटे मासूम बच्चों को किसी भी तरीके से मौसम का दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े, उनके हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। और अगर इसी तरीके का मौसम बना रहता है तो आने वाले दिनों में वो तस्वीरें फिर से सामने आने लगेंगी अपर्णा, जब लोग अलाव के सहारे ठंड को भगाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, तो जो स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है ये फौरी कदम उठाना बेहद जरूरी था, उठाया भी गया है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए बच्चों की सेहत पर क्योंकि बदलता हुआ मौसम असर डाल सकता है, अक्सर देखा भी गया है, तो ऐसे में ये टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं। आप भी जहाँ जिस जिले में रहते हैं वहाँ की टाइमिंग को एक बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजें। और भोपाल, सागर, इंदौर में क्या समय है वो हमने आपको बताया ही है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बालाघाट पोस्टल बैलेट पेपर विवाद की, जिसने तूल पकड़ लिया है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हैं निर्वाचन आयोग ने नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। बालाघाट में बैलेट पेपर विवाद में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की है। सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया, साथ ही कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पूरे मामले में बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि मतपत्र की गिनती नहीं की जा रही थी, बल्कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतपत्रों की शॉर्टिंग की गई है। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभा वार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने माना कि तय समय से पहले शॉर्टिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो गलत है। उधर बालाघाट की घटना के बाद निर्वाचन आयोग ने एमपी के सभी स्ट्रांग रूम पर अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। भोपाल स्ट्रांग रूम का एडीएम ने जायजा लिया। यहाँ पर जो व्यवस्था है वह 3 टीयर व्यवस्था है। पहले उसमें सीएपीएफ का बल लगा है, दूसरे उसमें हमारे एसएफ का गार्ड लगा है और तीसरे में डीएफ की व्यवस्था है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। डाक मतपत्रों के वीडियो मामले ने नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने मामले पर तुरंत कार्रवाई की, ऐसे में उम्मीद है कि 3 दिसंबर तक ऐसी दूसरी घटना नहीं होगी। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हार के डर का आरोप भी लगाया है। किस तरह से हो रहा है वार पलटवार, आइए आपको दिखाते हैं। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में भले ही चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने पूरे मामले को गंभीर बताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया ने भी बालाघाट कलेक्टर को हटाने की मांग की है। ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था का उसे खुलवा लिया, उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर हो रही है, जिससे कि पोस्टल बोर्ड से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने संख्या पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना सरकार नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। उधर कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है और इस वजह से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और यह हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पोस्टल बैलेट विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने न केवल कार्रवाई की बल्कि ऐसी गलती ना हो इसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में इस मामले को ज्यादा तूल देना अब ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ग्वालियर में प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत के जश्न को खास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या है तैयारियां,
इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार जिस बेसब्री से जनता कर रही है, कुछ वैसी ही बेसब्री प्रत्याशियों की भी है। हालांकि ग्वालियर में कुछ प्रत्याशियों के समर्थक जीत की तैयारी में जुट गए हैं, लिहाजा लड्डुओं की प्री बुकिंग की जा रही है। उधर फूल मालाओं की भी बुकिंग पहले से की जा रही है। इस दुकान को 95 साल से ऊपर हो गए हैं। जब भी चुनाव होता है और क्या कहते हैं रिजल्ट आता है तो सभी पार्टियों के जो भी विनर रहते हैं वो अपना लड्डू यहीं से ले जाते हैं। काफ़ी उस टाइम चहल पहल हो जाती है तो पहले से ही उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बड़ी मालाओं की बम्पर बुकिंग हो रही है। यही नहीं, जश्न की माला के लिए महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से फूल मंगाए जा रहे हैं। फूलों का इस समय जो है ना बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। शादी ब्याह का भी चल रहा है और इसका भी चल रहा है, मतलब नेता नगरी इसमें जो है ना हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के हार फूल वगैरह हैं, बड़े बड़े हार हैं लोगों को देने के लिए। और जो है ना करीब जो है ना 100 रुपये से लगा के जो है ना 1000 रुपये 1500 रुपये तक की कीमत के हार जो है ना हम रखते हैं। जाहिर है जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये किसी को जश्न में डुबोएगा तो किसी को गम में, लेकिन इतना तय है कि जश्न खास होगा, बेहद खास। जश्न की तैयारियां आपने देखी तो वहीं ग्वालियर की बात करते हैं, जहां मतदान के बाद से ही प्रत्याशी मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा सुबह बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं, जबकि शाम को बगीचे में पहुंच जाते हैं। वहीं दिन में अपने समर्थकों के साथ बैडमिंटन खेलकर वक्त बिता रहे हैं। तो वहीं जो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, कभी अपने साथी और समर्थकों के साथ आकर चाय पीते हैं तो कभी अस्पताल में झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। लेकर भी उनका कहना है कि उनकी धड़कन है बिल्कुल, और ये भी सही है कि इंतजार बड़ा कठिन भी होता है, लेकिन मैं तो पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ। समय मिलता है तो अपने साथियों के बीच में बैठ के सबसे मिलता जुलता हूँ। थोड़ा बहुत समय मिला तो बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, जो भी है प्रक्रिया अपनी चलती रहती है, लेकिन इंतजार तो इंतजार है। ईश्वर से, हाँ हाँ बिल्कुल, ईश्वर से प्रार्थना है। रायसेन पहुंचे सीएम शिवराज, परिवार के साथ पहुंचे रातापानी अभ्यारण्य, पत्नी साधना सिंह, बेटा कुणाल सीएम के साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं रायसेन। तो रातापानी अभ्यारण पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ उनकी पत्नी है, उनका बेटा भी मौजूद है। तो ये उस काफिले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस समय सीएम का काफिला पहुंचा था, रायसेन, पत्नी साधना, बेटा कुणाल भी शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं, रातापानी पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, ये हम दिखा रहे थे आपको पहले भी तस्वीरें, किस तरह से ये मतगणना से पहले का समय बिता रहे हैं तमाम नेता, और यहाँ मुख्यमंत्री की तस्वीरें, उनके काफिले की तस्वीरें, जहाँ वो अपने परिवार के साथ रातापानी अभ्यारण्य पहुंचे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, बुधवारा क्षेत्र में जहां अनाज की दुकान में आग लगी, और किस तरह से यहां पर आग लगी है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आग की लपटें और बाहर इस तमाम लोगों के बीच में अफरा तफरी यहां पर नजर आ रही है, और आग बुझाने की कोशिशें भी यहां पर की गई। अवैध तरीके से यहाँ पर केरोसिन बेचा जा रहा था और अनाज की दुकान में आग लगी है। भोपाल की तस्वीरें हैं बुधवारा क्षेत्र की, जहाँ पर ये देखिए जहाँ आग लगी हुई है, दरअसल वो एक अनाज की दुकान है जहाँ आग लगी और अवैध तरीके से यहां पर केरोसिन बेचा जा रहा था, ये जानकारी मिली है। छिंदवाड़ा में फल की दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ, इस वजह से दुकानदारों के बीच जोरदार
लड़ाई हुई है, मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला परासिया थाना इलाके का है। तो किस तरह से देखिए, एक दूसरे पर ये लाठी बरसा रहे हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं, यहां दुकान लगाने को लेकर ये दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट का भी वीडियो वायरल हो रहा है। परासिया थाना इलाके का ये वीडियो है, दुकानदारों के पीछे मारपीट हुई है दुकान लगाने को लेकर। कौन लगाएगा एक दूसरे पर हावी होने की? ये आज थाना परासिया अंतर्गत थाने के पास ये फल की दुकान जो दो व्यक्ति लगाते हैं, इसी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है एवं जो पीड़ित हैं उनकी MLC कराई गई है एवं इसमें आगे दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण बंदीबद्ध कर विवेचना की जा रही है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। बुरहानपुर में वन माफिया के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 15 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस दौरान खेत में लगी फसल को वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर नष्ट भी किया। शाहपुर वन परिक्षेत्र के भावसा इलाके का यह मामला है। प्रशांत, पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी, तो जिसमें सत्यता पाई गई। तो आज हम लोगों ने 4 रेंजों का स्टाफ, लगभग 90 की संख्या में, और 4 रेंज ऑफिसर शाहपुर, बोदरली, खकनार और बुरहानपुर, ये 4 रेंजों के रेंज ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई हम लोगों के द्वारा, और लगभग 15 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमने आज खाली करा। उज्जैन में कार से स्टंट का वीडियो सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग कार का दरवाजा खोलकर स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में किसी तरह की आवाज नहीं है, हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कार की छत पर है और एक दरवाजा खुला भी हुआ है। युवक आधा यहाँ पर कार पर लहराता हुआ देखा जा सकता है और इस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हुए नजर आ रहे युवक उज्जैन की तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मध्य प्रदेश में आज कई जगह हादसा होने की खबरें आई हैं, जहां 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कहां कहां हादसा हुआ है। पन्ना में दमोह, धार, रीवा, सिवनी और झाबुआ की तस्वीरें जहां पर हादसा हुआ। पन्ना में यात्री बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, 2 लोगों की मौत हो गई, करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दमोह में महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, यहां भी 2 महिलाओं की जान चली गई, 20 लोग घायल हुए। और एक हादसा धार में हुआ जहां यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, 11 यात्री घायल हो गए। रीवा में एक और हादसा हुआ जहां पर बस के ब्रेक फेल हो गए और वो पेड़ टकरा गई, बस में सवार 15 यात्री घायल हो गए। 5वां हादसा हुआ सिवनी में जहां यात्री बस और स्कूल में टक्कर हुई, 2 ही बसों के ड्राइवर घायल हुए हैं, तो वहीं 1 की मौत भी हो गई इलाज के दौरान। वहीं झाबुआ में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसा हुआ। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को हाईकोर्ट का नोटिस मिला है। बावड़ी हादसे को लेकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मांगी है। रामनवमी के दिन मंदिर में हादसा हुआ था, 36 लोगों की मौत हो गई थी। देश में चीतों के नए घर, मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में बड़ा उत्सव मनाए जाने की तैयारी है। 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले इस उत्सव में देश दुनिया से पर्यावरण और वन्य जीव विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा कोई भी बुकिंग करा सकता है। 6 दिन के कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है।